चाणक्य आईएएस एकेडमी डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इंटरनेट के अधिकार को मूल अधिकार घोषित करने वाला पहला राज्य था? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केरला। हालांकि केरल इंटरनेट के अधिकार को बुनियादी अधिकार घोषित करने वाला देश का पहला राज्य था जिसने इंटरनेट को बुनियादी अधिकार के रूप में घोषित किया था, लेकिन राज्य के 12 जिलों में फैले 189 आदिवासी उपनिवेश के पास अभी भी इंटरनेट और मोबाइल कनेक्शन तक की पहुंच नहीं है। पहुंच की कमी इन कॉलोनियों में 5000 से अधिक आदिवासी छात्रों की संभावनाओं को प्रभावित करती है। तो देखते हैं आज का दूसरा सवाल। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में उत्तरी सागर में नए जीवाश्म ईंधन की ड्रिलिंग का आह्वान किया है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हाल ही में ब्रिटेन के तट पर नए जीवाश्म ईंधन की ड्रिलिंग की योजना का समर्थन किया है, जिससे पर्यावरण विशेषज्ञ चिंतित हैं, जबकि दुनिया अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन की ओर अपना कदम बढ़ा रही है। इस कदम से ब्रिटेन को अधिक ऊर्जा स्वतंत्र बनने में मदद मिलेगी। आइए देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में अमेजन जंगल में संरक्षित क्षेत्र में तेल की ड्रिलिंग के खिलाफ मतदान किया है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी बोलीविया, ऑप्शन सी इक्वाडोर एंड ऑप्शन डी है कोलंबिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इक्वाडोर। एक ऐतिहासिक निर्णय में इक्वाडोरी वासियों ने अमेजन में एक संरक्षित क्षेत्र में तेल की ड्रिलिंग के खिलाफ मतदान किया, जो दो अज्ञात जनजातियों का घर है और जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में कार्य करता है। यासिनी राष्ट्रीय उद्यान में तेल ड्रिलिंग परियोजना के बारे में हम देखते हैं। तेल ड्रिलिंग कंपनी का नाम है पेट्रो इक्वाडोर। तेल ड्रिलिंग परियोजना यासिनी नेशनल पार्क के क्षेत्र में है, जो दुनिया के सबसे जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में तगेरी और पेरो मिनानी रहते हैं, जो आत्म अलगाव में रहते हैं। 1989 में यासिनी को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था या नामित किया था। 1 मिलियन हेक्टेयर 2.5 मिलियन एकड़ से अधिक के सतह क्षेत्र को शामिल करते हुए इसमें पंछियों की 610 प्रजातियां, उभयचरों की 139 प्रजातियां और सरीसृपों की 121 प्रजातियां हैं। कम से कम 3 प्रजातियां स्थानिक हैं। यह जैव विविधता वाला क्षेत्र 3 अद्वितीय क्षेत्रों भूमध्य रेखा, एंडीज पर्वत, अमेजन वर्षावन के लिए एक अभिसरण बिंदु है। आइए देखते हैं सवाल नंबर चौथा। जल जीवन मिशन JJM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कहता है इसमें 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। कथन दूसरा कहता है यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है या इसके अंतर्गत कार्य करेगा। ऑप्शन सी है इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से देखना है कितने कथन सही है। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दो कथन सही है, ऑप्शन सी केवल 3 कथन सही है, ऑप्शन डी कहता है कि कोई कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 कथन सही है। JJM ने 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की है। यह जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। देखते हैं आज का आखिरी पांचवा प्रश्न। कश्मीर स्ट्राइक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन पहला कहता है यह एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय जानवर है और साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल है। दूसरा कथन है कश्मीर स्टैक का समाज मात्र सत्तात्मक होता है यह है। इसका तीसरा कथन है यह मुख्य रूप से कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में कितने कथन सही है यह देखना है हमें। ऑप्शन ए केवल एक कथन सही है, ऑप्शन बी केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन सी तीनों कथन सही है, ऑप्शन डी कोई कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इसमें केवल 2 कथन सही हैं। यह जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला
एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवर है। यह साइट से परसिस्ट वन में शामिल है। यह मूलतः एक जंगल का जानवर है जो अकेले 2 से 16 सदस्यों के छोटे समूहों में पाया जाता है। इनकी सामाजिक व्यवस्था अगर देखें तो ये मात्र सत्तात्मक होते हैं। यह जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों और पहाड़ों के घने नदी जंगलों में पाए जाते हैं। कश्मीर में यह मुख्य रूप से दाचीगांव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जहां इसे सुरक्षा प्राप्त है और अन्य जगहों पर इसे खतरा बहुत अधिक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। हम कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।